हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम पढ़ने वाले एपिकल्चर के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेरिकल्चर के बारे में। एपिकल्चर और सेरिकल्चर इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज अगर आप आजकल के एग्जाम देखेंगे तो उनमें एग्रोनॉमी, सॉयल, होर्टी जैसे मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम और एपिकल्चर, सेरिकल्चर, इंजीनियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री जैसे माइनर या फिर कह दीजिए एलाइड सब्जेक्ट जो है उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। IBSAFO की बात करूंगा ना तो 2020, 2021, 2022 हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया एपिकल्चर से और ये एपिकल्चर इतना सा टॉपिक है कि इसे अगले 30 मिनट के अंदर कवर किया जा सकता है। तो 30 मिनट्स के अंदर अगर एक क्वेश्चन पक्का हो पाए तो शायद हमें कर लेना चाहिए। एपिकल्चर की बात करते हैं तो एवरीबॉडी नोज एपिकल्चर का मतलब होता है किसको रियर करना, हनी बी को, मधुमक्खियों को पालना। मधुमक्खी पालन की बात करेंगे तो हनी प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल रेवोल्यूशन भी रिसेंटली लाई गई बिकॉज पहले अगर आप पढ़ते हैं तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन थी, गोल्डन रेवोल्यूशन जिसमें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन के साथ साथ बात की जाती थी हनी प्रोडक्शन की। लेकिन अभी जो हनी प्रोडक्शन है उसके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक रेवोल्यूशन, वो कौन सी है? स्वीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स लगाती है और एक रेवोल्यूशन लेके आती है। जैसे 1965, 66, 67 के अंदर आया था ग्रीन रेवोल्यूशन और 70 के अंदर आया था ऑपरेशन फ्लड या फिर जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। हनी बी के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए अवेयरनेस लाने के लिए हर साल 20 मई को क्या मनाया जाता है, हर साल 20 मई को हनी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, हनी बी डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि बी के बारे में लोगों में अवेयरनेस आए। एपिकल्चर या फिर हनी बी रियरिंग जो है वो एक एलाइड सेक्टर है। एलाइड सेक्टर का मतलब वो कोर सेक्टर में ना के एलाइड में कंसीडर किया जाता है और फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करने का मेजर सोर्स बनाया जा सकता है बिकॉज क्रॉप से फार्मर की जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है, कभी कम तो कभी ज्यादा हो जाती है। कभी वीट का प्राइस 2000 से कम चला जाता है तो कभी वीट का प्राइस 3000 टच कर जाता है, तो क्रॉप से इनकम स्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, इन एलाइड एंटरप्राइज से फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज किया जा सकता है। हनी हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, हनी निकालने की बात करेंगे तो हनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है 7000 BC के अंदर। बीसी आप जानते हैं, जीसस क्राइस्ट या फिर ईसा मसीह का नाम आपने सुना हुआ है, तो ईसा मसीह जो है उनके जन्म से पहले कुछ हुआ था तो उसे बीसी लिखा जाता है और जो उनके जन्म के बाद हुआ उसे एनो डोमिनी यानी एडी लिखा जाता है। तो हनी हार्वेस्टिंग उनके जन्म होने से 7000 साल पहले स्टार्ट हो गई, मतलब 7000 BC में स्टार्ट हुई है। इंडिया के अंदर जो बी कीपिंग है वो 1882 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो हनी बी से, जो हनी से डील करता है वो बोर्ड कौन सा है? NBB। पहले इसे सोसाइटी के अंदर डाला गया था, मतलब सोसाइटी एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। सो नेशनल बी बोर्ड जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ था 2000 के अंदर, उस टाइम पे सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड था, लेकिन इसे फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करके बोर्ड बना दिया गया 2006 के अंदर। तो दोनों ईयर याद रखना, ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट 2000 के अंदर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो उसका 2006 के अंदर है। 20 मई जो होता है हर साल हम उसे क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हनी बी डे सेलिब्रेट करते हैं। और हनी प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन हमने रिसेंटली स्टार्ट करी है वो कौन सी है? यस, इट इज स्वीट रेवोल्यूशन। ठीक है, बी कीपिंग के इंट्रोडक्शन की बात करिए, बी स्पीशीज की बात करेंगे बिकॉज अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो कौन सी मक्खी को पालना है, अलग अलग स्पीशीज है ना, तो मधुमक्खियों की कौन सी स्पीशीज आप रियर करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से एक ही मेजर ऑप्शन है, दूसरा माइनर है। उसके अलावा जो दो और है वो ऑप्शन में नहीं है बिकॉज उनको पाला नहीं जा सकता। जैसे अगर बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट स्पीशीज की, तो सबसे पहले सबसे बड़ी मधुमक्खी आती है रोक बी या फिर जाइंट बी, जिसे एपिस डोरसाटा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी बी अगर पूछेगा तो ये एपिस डोरसाटा होती है, इसे रोक बी भी कहा जाता है और बड़ी है इसीलिए से जाइंट बी भी कहा जाता है। ये सुटेबल नहीं है किसके लिए? रियर करने के लिए। आगे पढ़ाता हूं उसके बारे में। दूसरी बी कौन सी है? एपिस सेरेना इंडिका। तो जैसे इंडिका इसमें लग गया तो आप समझ गए कि इंडिया से बिलोंग करती है, तो इसे इंडियन बी भी कहा जाता है, इसे एशियन बी भी कहा जाता है बिकॉज इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है। तो इंडियन कह दो तो भी ठीक है, एशियन कह दो तो भी ठीक है। सो एपिस सेरेना इंडिका जिसे इंडियन हाइव भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एपिस फ्लोरिया जो सबसे छोटी मधुमक्खी है, सबसे छोटी है, तो इसलिए इसे लिटिल बी भी कहा जाता है। ये ज्यादा सूटेबल नहीं है रियर करने के लिए, ये भी उतनी अच्छी तो नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ
एक एवरेज प्रोडक्शन, मिनिमम प्रोडक्शन ये दे देती है। उसके बाद एपिस मेलिफेरा जो प्रोडक्शन के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है, एपिस मेलिफेरा को इटालियन बीबी कहा जाता है, यूरोपियन बीबी कहा जाता है, बिकॉज इटली किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है। तो इटालियन बीबी कह देते हैं इसे, यूरोपियन भी कहते हैं। नाम याद रखिए एपिस मेलिफेरा। एब्सकोंड करने की हैबिट इसमें कम होती है। एब्सकोंडिंग का मतलब क्या होता है, अपनी जो हाइव है, जो छत्ता है, उसको छोड़ के भाग जाना। प्लस ये फ्रेंडली नेचर की होती है, तो छोड़ के नहीं भागती, फ्रेंडली नेचर की होती है। प्लस हनी प्रोडक्शन अच्छा खासा करती है, इसीलिए पालने के लिए जो सबसे अच्छी मधुमक्खी है, जो सबसे अच्छी हनी भी है, वो कौन सी है, इट इज एपिस मेलिफेरा। उसके बाद जो स्टिंगलेस बी है हमारी, कौन सी, मेलिपोना इरिडेपेंडेंस, ये कौन सी है, इसे डैमर भी कहा जाता, डैनर भी कहा जाता है, या फिर इसे स्टिंगलेस बी भी कहा जाता है। तो ये फाइव मेजर बी स्पीशीज है। इन फाइव में से अगर बात करें तो क्वेश्चन पता है कहां से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एक ही से पूछने के चांस ज्यादा है, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है इंडियन या फिर एशियन बी कौन सी है, ये वाली, सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इन बी स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिस डोरसाटा, जो सबसे ज्यादा हनी प्रोडक्शन देती है। अच्छा, 36 केजी हनी पर ईयर दे देती है सर, तो फिर तो इसे रियर करना चाहिए। लेकिन यार रियर करने में दिक्कत है कि ये डिफिकल्ट टू रियर है, इसको पाला नहीं जा सकता। तो एपिस डोरसाटा जो है ना, ये अपना जो कॉम्ब है वो ओपन एरिया के अंदर कंस्ट्रक्ट करेगी, सिंगल कॉम्ब बनाएगी, काफी बड़ा इसका कॉम्ब होता है। दे शिफ्ट, मतलब वो एब्सकोंड कर जाती है प्लेस ऑफ द कॉलोनी ऑफन, बार बार शिफ्टिंग करेंगी। मैं आपको दो टर्म जो आगे समझानी है वो भी क्लियर कर देता हूं। इनके माइग्रेशन के अंदर आपने देखा होगा कभी ना कभी मधुमक्खियां उड़ रही होती है, देखा आपने अपने सर के ऊपर ऐसे देखा, बहुत सारी मू करती जा रही होती है। तो इनकी जो शिफ्टिंग होती है ना, इनकी शिफ्टिंग के अंदर दो तरह की हैबिट होती है। एक होती है स्वार्मिंग, स्वार्मिंग कह दीजिए उसे, स्वार्मिंग कहा जाता है, स्वार्मिंग, और दूसरा आ गया एब्सकोंडिंग। अब स्वार्मिंग और एब्सकोंडिंग की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो मधुमक्खियों की कॉलोनी होती है, उसके अंदर मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ड्रोन होते हैं, रानी होती है। तो जिस तरह से हम लोग रहते हैं ना, उसी तरह से इनकी भी प्रॉपर एक सोसाइटी होती है। अब जो तुम्हारे घर में जो लोग रहते हैं, अभी तुम मेरी क्लास ले रहे हो बिकॉज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल को तुम एग्जाम की तैयारी करके सेलेक्ट हो जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे। तो एक दिन आएगा जब तुम्हें एक नया घर बनाना पड़ेगा, बिकॉज उस फैमिली के अंदर अब तुम उतने लोग नहीं रह सकते। पहले चार लोग थे, अब तुम्हारी वाली आ गई है, उसके बाद हम दो, हमारे पांच छह, चलो पांच छह ना सही, हम दो, हमारा एक है ना, जो भी है, अलग से घर बना दिया ना। तो ऐसे ही मधुमक्खियों की बात करेंगे तो उनके केस में जब बढ़ जाती है संख्या, तो पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है ना, तो कुछ पॉपुलेशन वहां से शिफ्ट कर जाती है। ये कोई गलत बात तो नहीं है, बिकॉज ज्यादा हो गया ना, एक कॉलोनी में रह नहीं पा रहे, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं। इस नॉर्मल शिफ्टिंग की हैबिट को जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसे स्वार्मिंग कहा जाता है। प्लीज बताइए क्या बोलते हैं इसे, स्वार्मिंग। एब्सकोंडिंग क्या होता है, जैसे ही इन्हें कुछ खतरा लगता है, कुछ एडवर्स कंडीशन दिखती है, या फिर इनका मूड करता है, तो ये ना भाई क्या करते हैं, कॉलोनी छोड़ के भाग जाते हैं, बोला चलिए ना बाय बाय, आप जाके देखेंगे वो तो जा चुकी है, तो दिक्कत होगी ना, ये वाली बात। तो इसको बोला जाता है एब्सकोंडिंग। तो इसके अंदर ना एब्सकोंडिंग की हैबिट है यार, दिक्कत है ना, आप इसे लाड़ प्यार से पालेंगे और ये एब्सकोंड कर जाएगी, दिक्कत है, तो इसे नहीं पालेंगे हम। रोक बी आर फेरोशियस, गुस्से वाली है यार बहुत, आपने पाला नहीं, उसने थप्पड़ मारा नहीं, चलो थप्पड़ तो नहीं, डंक तो मार सकती है ना, स्टिंग स्टिंग तो होता है इसके पास। तो ये फेरोशियस है नेचर में और डिफिकल्ट है रियर करने में। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट, 36 केजी हनी देती है, और ये जो बी है ये सबसे बड़ी है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव इस पॉइंट पे आगे नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज पाला ही नहीं जा सकता, तो फिर हनी से मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, ये हो गया एपिस डोरसाटा। आगे चलते हैं, एपिस डोरसाटा सबसे बड़ी मक्खी है। अब बात करते हैं किसकी, इस मक्खी से छोटी मक्खी, सबसे छोटी थी, इससे छोटी, जो सेकंड रैंक पे आ जाएगी साइज के हिसाब से। फर्स्ट रैंक पे डोरसाटा, सेकंड रैंक पे आ गई मेलिफेरा। मेलिफेरा इटली से बिलोंग करती है, इटली यूरोप के अंदर आता है, इसीलिए एपिस मेलिफेरा को इटालियन या यूरोपियन भी कहा जाता है। इसके केस में मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब बनाएंगी, ओपन और कैविटी दोनों के अंदर बनाती है, है ना, ओपन के अंदर भी आप देखेंगे, कैविटी के अंदर भी देखेंगे। दे आर लार्जर देन इट इंडियन बी, जो हमारे इंडियन है ना, देखो सीक्वेंस में सुन लो यार, क्योंकि ये कह रहा है कि इंडियन बी से बड़ी है लेकिन रोक बी से छोटी है। तो सबसे पहले आएगी एपिस डोरसाटा, सबसे बड़ी, उसके बाद आएगी एपिस मेलिफेरा, फिर आएगी एपिस सेरेना इंडिका,
और उसका एपिस फ्लोरिया जो लिटिल बी है, ये साइज के हिसाब से बड़े से छोटे से मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है ये बड़ी है इंडिका से लेकिन छोटी है रोक बी से। दे हैव बीन इंपोर्टेड बिकॉज इटली की है, इंडिया में आई है मतलब इंपोर्ट किया है। कहां से? यूरोपियन कंट्री से इसे इंपोर्ट किया गया है। इनकी जो यील्ड है ये भी अच्छी खासी है, 35 kg का प्रोडक्शन आपको एक साल में दे देंगी। दे आर लेस प्रोन टू स्वॉमिंग एंड एब्सॉर्डिंग। अच्छी बात ये भी है कि छोड़ के भी नहीं जाएंगी, प्लस ये फ्रेंडली नेचर की है, पालना भी आसान है, तो पॉजिटिव पॉइंट है ना। हनी प्रोडक्शन अच्छा है, स्वॉमिंग एब्सॉर्डिंग नहीं करती है, फ्रेंडली नेचर की है, तो इसीलिए इस टाइम पे जो कमर्शियल स्केल पे रियरिंग होती है सबसे ज्यादा वो इसी की होती है। किसकी? एपिस मेलिफेरा की। डोरसाटा और मेलिफेरा की बात होगी, आगे बात करते हैं एपिस फ्लोरिया की। एपिस फ्लोरिया कौन सी? जिसे स्मॉलेस्ट भी कहा जाता है। ये अपना कॉम्ब कंस्ट्रक्ट करती है ओपन में ऑफ द साइज ऑफ पाम इन अ ब्रांच बुश हेज बिल्डिंग केव्स एम्प्टी के से छोटा सा बनाएगी। ये कितना हनी दे रही है देखो, इसी बात से पता चल गया कि इसको हम नहीं पालेंगे। हाफ के जी हनी दे रही है पूरे साल में, तो ये पालने लायक नहीं है। दे आर नॉट रियरेबल एज दे फ्रीक्वेंटली चेंज देयर प्लेस। एक तो हनी कम, दूसरा चेंज करती है बार बार। बस ये बात ध्यान रखनी है, जो एपिस फ्लोरिया है वो स्मॉलेस्ट भी है चारों स्पीशीज में, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन प्लेस नॉट इन द हिल अबव 450 meters। तो ज्यादा ऊपर आप इन्हें नहीं देखेंगे, प्लेन एरिया के अंदर इन्हें देखा जाएगा, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट ये वाली है नहीं। लास्ट की बात करते हैं एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका जो फेमस है कैविटी नेस्टिंग से। कैविटी नेस्टिंग मतलब अपना जो घोंसला है या जो छत्ता है, जो कॉलोनी है, ये ओपन के अंदर नहीं बनाती है। बाकियों की हैबिट ओपन है, इसकी नहीं है। दे मेक मल्टीपल पैरेलल कॉम ऑन द ट्री एंड कैविटी इन डार्कनेस, बिकॉज ओपन में तो रोशनी होगी, डार्कनेस के अंदर बनाएंगी जनरली। कैविटी नेस्टिंग इनका मेन फीचर है। द बीज आर लार्जर देन द एपिस फ्लोरिया। फ्लोरिया सबसे छोटी है, उससे तो बड़ी होती है, लेकिन एपिस मेलिफेरा से क्या होती है, ये छोटी होती है। ये हनी कितना देती है? 5 kg। मैंने आपको कहा था ना कि दो ऑप्शन है आपके पास, मेलिफेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसके बाद छोटे मोटे लेवल में इसको भी रियर किया जाता है इंडिया में, बिकॉज 5 kg हनी देती है। दे आर मोर प्रोन टू स्वॉमिंग एंड एब्सॉर्डिंग, इनकी नेगेटिव हैबिट हो गई है। दे आर नेटिव ऑफ इंडिया या फिर कह दीजिए एशिया। ठीक है जी, चारों स्पीशीज के बारे में आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं, अब उनके घरों के अंदर चलते हैं कि भाई ये घरों में रहती कैसे है। जैसे हमारे घरों में होता है ना, हमारे पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, फिर सिस्टर है, ब्रदर है, ब्रदर में कोई बड़ा है तो शादीशुदा होगा, तो फिर ब्रदर के साथ आपकी सिस्टर इन लॉ भाभी आ जाएगी। तो ऐसे क्या है हमारे घर के अंदर, क्या हमारे घर के अंदर कास्ट है अलग अलग, हमारे घर में एक सोसाइटी, एक डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, तो उस तरह से हनी बीज के अंदर भी क्या होता है, डिवीजन होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन मेल को क्या करना है, फीमेल को क्या करना है, हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी डिसाइडेड होती है। आईबीपीएस एएफओ 20 ने 2 questions पूछे थे एपिकल्चर से, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सो जब बात करते हैं किसकी, बी कास्ट की, तो यहां पे क्या होता है, कुछ होते हैं वर्कर काम करने वाले, कुछ होती है क्वीन एक ही होती है, एक होती है क्वीन, कुछ होते हैं वहां पे क्या वर्कर, साथ साथ क्या होते हैं फर्टाइल फीमेल होती है, ड्रोन होते हैं। मैं वन बाय वन सब बताता हूं आपको। वर्कर स्टेराइल फीमेल, पहले तो ध्यान रखना फीमेल तो है लेकिन कैसी, फर्टाइल नहीं, स्टेराइल फीमेल है। फर्टाइल होगी तो क्वीन बन जाएगी लेकिन ये स्टेराइल है। वर्कर स्टेराइल फीमेल जो कहां से पैदा होती है, फर्टिलाइज्ड एग से। ये वाली स्लाइड अच्छे से याद करना बिकॉज ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी पिछला पार्ट आसान था, हर कोई याद कर लेगा। ध्यान रखिएगा, एग अगर फर्टिलाइज होगा तो उससे वर्कर स्टेराइल फीमेल आएगी, अगर एग अनफर्टिलाइज होगा तो उससे ड्रोन मेल आएगा। राइट अगर फर्टिलाइज है तो वर्कर स्टेराइल फीमेल आएगी और अनफर्टिलाइज है तो ड्रोन मेल इंसेक्ट आएगा। लेकिन सर एग फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज होगा ये कैसे डिसाइड होगा? हाँ, हनी बी ओनली ऐसा कैरेक्टर, ओनली ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास ये स्पेशलिटी है, एक काइंड ऑफ फैसिलिटी है कि वो जिस तरह के अंडे प्रोड्यूस करना चाहे उस तरह के अंडे प्रोड्यूस कर सकती है। तो फर्टिलाइज एग से आ गया है वर्कर स्टेराइल फीमेल। क्वीन बी की बात करेंगे तो वही जो फर्टाइल हो जाएगी, स्टेराइल है ये, लेकिन जो क्या करेगी, मेटिंग करेगी, जो स्टेराइल ना होके फर्टाइल हो जाएगी वो क्वीन बन जाएगी। क्वीन बी जो होती है वो फेरोमोन्स निकालती है दैट एनकरेजेस मेल ड्रोन टू मेट। वो फेरोमोन निकालेगी, अट्रैक्ट कर लेगी अपने साइड, मेल आएंगे और उसके साथ मेटिंग करेंगे। जो क्वीन है, जो फर्टाइल फीमेल है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉलोनी के अंदर क्या देने के लिए, अंडे देने के लिए, बहुत सारे अंडे, 2000 से 3000 अंडे देती है एक दिन के अंदर। ड्रोन मेल की बात करेंगे तो मेल बी जो अनफर्टिलाइज
एग से निकल दिया उसको ड्रोन बोला जाता है। वर्कर स्टेराइल फीमेल, तो हमने पहले ही बोल दिया कि वो फर्टिलाइज एग से निकलते हैं। तो देखो ना सीधा तीन ही तो इनके अंदर कास्ट है भाई साहब, एक दो और तीन, दैट्स इट। ड्रोन मेल है जो अनफर्टिलाइज से आया है, वर्कर स्टेराइल फीमेल है जो फर्टिलाइज से आई है, और फिर एक क्वीन आ गई है। वर्कर स्टेराइल फीमेल तो बता ही दिया, एक वर्ड है फोरेजिंग। फोरेजिंग का मतलब क्या होता है, ये पोलन और नेक्टर कलेक्ट करती हैं, जिसको कलेक्ट करके बाद में हनी बनाती हैं, उस टर्म को क्या नाम दिया जाता है, फोरेजिंग। पूछा जा सकता है क्या होता है, या फिर डायरेक्टली आ सकता है, फोरेजिंग इज अ टर्म रिलेटेड टू एपिकल्चर, सेरिकल्चर, लैग कल्चर, सो ऑन, आपको पता होना चाहिए। बी कास्ट की बात कर रहे थे, ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। ड्यूटीज में सबसे ज्यादा ड्यूटीज होती है किनकी, किसकी, क्वीन की। क्वीन के बाद आ जाएंगी ड्यूटीज यदि वर्कर की, वर्कर के बाद आ जाएंगे ड्रोन की। ड्रोन मेजरली टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते हैं गर्मियों के अंदर, जो वर्कर है वो बाहर के कामों में ध्यान देते हैं, और क्वीन जो है वो कॉलोनी की पॉपुलेशन बढ़ाने पर ध्यान देती है, बिकॉज क्वीन ओनली रिस्पॉन्सिबल है अंडे देने के लिए। एक ही बार मेटिंग करती है और फिर लगातार पूरी जिंदगी क्या करती है, अंडे देती रहती है, मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाती रहती है। तो क्वीन की ड्यूटीज की बात करेंगे, क्वीन क्या है, द ओनली इंडिविजुअल जो क्या देती है, अंडे देती है कॉलोनी के अंदर। इसे मदर ऑफ ऑल बीज कहा जाता है, बिकॉज सब मधुमक्खी की मां तो यही हुई। लेज अप टू 2000 एग्स पर डे, एपिस मेलिफेरा वाले केस में 2000 अंडे एक दिन में, लेकिन गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेल चाहिए होते हैं, इसलिए अनफर्टिलाइज एग ज्यादा देना शुरू कर देती है। तो गर्मियों के दिनों में मॉनसून के टाइम से पहले तो 2500 एग्स भी पर डे के आते हैं, लेकिन यूजली 2000 अंडे एक दिन के अंदर आएंगे। किसके, क्वीन के। 5 to 10 डेज आफ्टर एमर्जेंस, जैसे ही निकलती है, शी मेट विद द ड्रोन इन वन और मोर नप्शल फ्लाइट। नप्शल फ्लाइट का मतलब क्या होता है, फेरोमोन सीक्रेट करती है, उड़ती है, पीछे ड्रोन अट्रैक्ट होते हैं, ड्रोन क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं, कोई एक ड्रोन मेटिंग करेगा, मेटिंग करने का उस ड्रोन की डेथ हो जाएगी, और इसका क्या होता है, जो स्पर्मेथिका होता है, स्पर्मेथिका मतलब जिसके अंदर ये क्या करेगी, स्पर्म इकट्ठे करेगी, उसके अंदर स्पर्म इकट्ठे कर लेती है, पूरी जिंदगी क्या करती है, वो उसके स्पर्म को यूज करके और अंडे देती रहती है। जब स्पर्म खत्म हो जाते हैं तो उस टाइम पे एक नई क्वीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, पुरानी वाली को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 5 से 10 दिन बाद इसने नप्शल फ्लाइट ली, मेटिंग करी, फिर अंडे देना स्टार्ट कर दिया। जब इसका स्पर्मेथिका इज फिल्ड विद द स्पर्म, स्पर्मेथिका स्पर्म से फिल हो गया, शी विल स्टार्ट लेइंग एग, अंडे देना स्टार्ट कर देगी, और उसके बाद दोबारा कभी मेटिंग नहीं करेगी। जो एपिस मेलिफेरा वाले केस में क्वीन है, उसकी लाइफ 3 से 5 साल की होती है। क्वीन की ड्यूटीज की बात कर रही है, क्वीन अपने मैंडिबुलर जो ग्लैंड है ना, उससे एक सब्सटेंस निकालती है जिसे क्वीन सब्सटेंस कहा जाता है। जब तक वो सफिशियंट क्वीन सब्सटेंस निकालती रही तब तक कहानी ठीक है, लेकिन जब उसने क्वीन सब्सटेंस निकालना कम कर दिया, उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, फिर उस क्वीन को रिप्लेस करके नई क्वीन को वहां पे लाया जाएगा। सर ये कैसे डिसाइड होगा कि नई क्वीन आने वाली है? देखो हमेशा क्या होता है, क्वीन का चैम्बर जो होता है ना वो एक ही होता है, लेकिन जब क्वीन अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब अब वो पुरानी हो चुकी है, रिप्लेस करने का टाइम आ गया, तो एक नया चैम्बर बनाया जाता है, फिर उस फीमेल को रॉयल जेली खिलाई जाती है। नाम सुना है ना रॉयल जेली का, तो वो रॉयल जेली जो फीमेल खा रही है ना, अब वो क्या करेगी, फेरोमोन सीक्रेट करेगी और नप्शल फ्लाइट लेगी, फिर पीछे ड्रोन आएंगे, मेटिंग करेगी, और फिर वो फर्टाइल हो जाएगी, फिर पूरी जिंदगी अब आ गई है, फिर से अंडे देना स्टार्ट करेगी जब अंडे कम हो जाएंगे, या फिर ओनली अनफर्टिलाइज अंडे ही देगी, फर्टिलाइज दे ही नहीं पाएगी बिकॉज स्पर्म खत्म हो चुके हैं, तो फिर उस क्वीन को रिप्लेस करके नई सुपर सेटर लाई जाएगी और फिर से एक नई क्वीन वहां पे आ जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्वीन सब्सटेंस वो निकालती है, द क्वीन कैन ले ईदर, या तो वो फर्टिलाइज अंडे दे सकती है या फिर स्टेराइल अंडे भी दे सकती है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसी है। फीमेल चाहिए तो फर्टाइल अंडे देगी, ड्रोन चाहिए, मेल चाहिए तो क्या देगी, अनफर्टिलाइज अंडे देगी, है ना। फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज उसकी मर्जी है, जैसे देना चाहे। जो क्वीन सब्सटेंस उसकी मैंडिबुलर ग्लैंड से निकलता है ना, वो अगर सफिशियंट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्वॉर्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग को, छोड़ के कॉलोनी जाएगी नहीं, बिकॉज क्वीन का ऑर्डर है। क्वीन का ऑर्डर क्या, बिकॉज क्वीन सबकी मदर है ना यार, तो कॉलोनी का कोहेजन, मतलब कॉलोनी जुड़ी रहती है आपस में, कोहेजन मेंटेन रहता है। साथ साथ क्वीन सब्सटेंस क्या करता है, प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट किसका, ओवरी का, इन वर्कर्स। वर्कर कौन है, स्टेराइल फीमेल।
स्टेराइल फीमेल में ओवरी क्यों नहीं आने देगी? अरे भाई जब ऑलरेडी एक क्वीन है तो दूसरी क्यों आने दे? लेकिन जब क्वीन सबस्टार सफिशिएंट नहीं आएगा, मतलब ओवरी डेवलपमेंट होने का टाइम आ गया है, सेकंड क्वीन के आने का टाइम आ गया है। ये हो गए आपके क्वीन के टास्क, क्वीन के फंक्शन क्या क्या करती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आसान है सब कुछ। क्वीन के काम समझ गए। ड्रोन की बात करेंगे, ड्यूटी की बात करेंगे, तो बोला गया देयर इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज टू फर्टिलाइज द क्वीन, बिकॉज क्वीन नप्शल फ्लाइट लेगी, इनको उसे फर्टिलाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। उसके बाद इनकी ड्यूटी होती है टेम्परेचर को मेंटेन करना, हाइव के अंदर छत्ते के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, इसीलिए गर्मियों के अंदर क्वीन 2000 अंडे एक दिन में ना देके कितने देती है, 2500। वाई? बिकॉज उसको अनफर्टिलाइज अंडे ज्यादा देने हैं ताकि ड्रोन और आए और कॉलोनी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। इनके केस में क्या होता है, दे कैन नॉट कलेक्ट नेक्टर, बिकॉज इनका काम नहीं है नेक्टर कलेक्ट करना, है ना, नेक्टर पोलन ये कलेक्ट नहीं करते और इनके पास स्टिंग भी नहीं होता। अच्छा सर, ड्रोन के पास स्टिंग नहीं होता तो फिर ये खाएंगे नहीं? यस ऑफ कोर्स, ड्रोन आओ कुछ नहीं कह पाएगा, बट वो अलग बात है कि जैसे तुम्हारे हाथ पे आके बैठा, अब तुम्हें उसे पूछना पड़ेगा भाई मेल है कि फीमेल है, फिर डिसाइड कर पाओगे। लेकिन पता चला फीमेल हुई, इतने में गुस्सा आ जाएगी, मार के भाग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हमें नहीं पूछना है, हमें बस पेपर के लिए याद करना है कि ड्रोन की बात कर रहे हैं तो अनफर्टिलाइज एग से आता है, मेल है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, साथ साथ क्वीन को क्या करता है, फर्टाइल भी करता है, स्टिंग इनके पास नहीं होता, नेक्टर पोलन ये कलेक्ट नहीं करते। ड्रोन की बात हो गई है तो वर्कर की बात कर लेते हैं। क्वीन की बात हो गई, ड्रोन की बात हो गई, वर्कर पे आ गए। वर्कर अपनी पूरी जिंदगी में एक चम्मच का 12वां हिस्सा, 1/12 टीस्पून ऑफ हनी इन देयर लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में एक जो वर्कर है ना वो 1/12 पार्ट ऑफ स्पून का हनी प्रोड्यूस कर पाएगा। मतलब समझाने के लिए बोलूं तो लगभग 8 मधुमक्खियां मिलके अपनी पूरी जिंदगी में एक चम्मच शहद का उत्पादन कर पाती है। तो देखो कितनी हार्डवर्किंग है, बहुत थोड़ा सा उत्पादन करते हैं फिर भी लगी रहती है। जैसे आप हार्डवर्किंग हो, इतना सारा लेक्चर अटेंड किया, नंबर बढ़ेगा 1 ही 60 में से, लेकिन एक एक करते करते सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करनी पड़ती है, मधुमक्खी से सीखिए। तो 1/12 टीस्पून ऑफ हनी इन देयर लाइफ टाइम प्रोड्यूस करती है कौन, वर्कर। देयर एडल्ट लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 6 वीक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, 6 हफ्ते की जो इनकी लाइफ होती है ना उसमें पहले 3 हफ्ते तो इनकी इंडोर ड्यूटी होती है, हाउस होल्ड ड्यूटी होती है, और बाकी की बची जिंदगी जो फिर इनको बाहर भेजा जाता है, बोला चलो तुम मैच्योर हो गई, बाहर के काम करो। तो रेस्ट ऑफ लाइफ में आउटडोर ड्यूटी, फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर हाउस होल्ड या फिर इंडोर ड्यूटी परफॉर्म करती है कौन, वर्कर्स। आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर इंडोर में करती क्या है, सी मैंने आपको शुरू बोला 30 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो मैं सिर्फ वो बातें आपको बता रहा हूँ जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो पेपर में क्वेश्चन अपना कवर हो जाए, इससे बेस्ट कुछ चाहिए नहीं। हाँ वो अलग बात है कि मैं आपको इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा और इसकी क्विज भी टेलीग्राम पे कंडक्ट करवाऊंगा, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप नोट्स को पढ़ रहे हैं कि नहीं और आपने क्विज को अटेम्प्ट किया है कि नहीं। बी बिहेवियर के अंदर स्वॉमिंग एब्सकॉन्डिंग मैंने शुरुआत में बता दिया था, कॉलोनी पॉपुलेशन बढ़ने पर जब थोड़े से जो नंबर है वो जाएंगे वहां से शिफ्ट होंगे तो वो स्वॉमिंग होता है, और पूरी कॉलोनी कुछ भी खतरा देखते भाग जाएगी तो उसे एब्सकॉन्डिंग कहा जाता है। सुपर सेडर मैंने आपको बताया, सुपर सेडर का मतलब क्या होता है, जब एक पुरानी क्वीन जो होती है वो सफिशिएंट क्वीन सबस्टार सीक्रेट नहीं कर रही या फिर फर्टिलाइज अंडे नहीं दे पा रही है, मतलब अब वो क्वीन पुरानी हो चुकी है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो फिर उसकी जगह पे एक नई क्वीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे सुपर सेडर कहा जाता है। इस टाइम पे पुरानी क्वीन भी चल रही है और नई भी आ गई है, इस नई को सुपर सेडर कहा गया, कुछ टाइम बाद पुराने वाली रिप्लेस हो जाएगी और वहां पे जो नई वाली है वो क्वीन बन जाएगी। सो व्हेन एन ओल्ड क्वीन इज अनेबल टू ले सफिशिएंट एग्स, शी विल बी रिप्लेस और सुपर सेडेड बाय द सुपर सेडेड क्वीन, जो अगली क्वीन आने वाली है। और जब क्वीन का जो स्पर्म मेथड हुआ है उसमें जो क्या उसका स्पर्म मेथिका है एंड लेज मैनी अनफर्टिलाइज एग आउट ऑफ, है ना, मतलब उसके अंदर उसके जो स्पर्म मेथिका था उसमें स्पर्म खत्म हो गए, स्पर्म खत्म हो गया तो फर्टिलाइज अंडे नहीं दे पाएगी, अनफर्टिलाइज देगी तो उसे रिप्लेस करने का टाइम आ गया। इन दिस केस 1 or 2 क्वीन सेल आर कंस्ट्रक्टेड, पहले एक ही थी जहां पे एक ही रह रही थी लेकिन अब एक और बना दी गई है इन द मिडल ऑफ द कॉम। याद रखना जो क्वीन सेल होती है वो कहां पे होती है, मिडल ऑफ द कॉम एंड नॉट एट द बॉटम। At a given time, both new and old queen are sealed simultaneously. अब इस टाइम पे दोनों एक साथ हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, जो पुराने वाली क्वीन है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर, और एक ही रह जाएगी मेन क्वीन।
सुपर सेंटर समझ गए। आगे बात करते हैं मधुमक्खियों के डांस की, कम्युनिकेशन की। डांस कैसा, ये भागड़ा करती है? नहीं नहीं नहीं, भागड़ा नहीं करती भाई साहब, ये राउंड डांस करती है या फिर एक और डांस भी करती है। लेकिन सर डांस क्यों करती है ये, है ना? अरे भाई डांस क्यों करती है ये कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज आपसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये गोल गोल घूमेंगी या फिर व्हीकल डांस करेंगी तो उससे बताएंगी कि जो फूड सोर्स है वो कितना दूर है, बिकॉज एक जा रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी बता रही है भाई बहन इतनी दूर है, ऐसे ऐसे करके, है ना? तो वो है क्या, कम्युनिकेशन का उनके अंदर तरीका है। दो तरह के डांस ये करती है, लेकिन डांस का कारण क्या, कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपसे बोलू ना, समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस, तो मैंने बोला नहीं, इशारा कर दिया, बस इनका भी वो कम्युनिकेशन का तरीका है। डांस करके कम्युनिकेट कर देती है कि फूड सोर्स कितना दूर है। राउंड डांस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ शॉर्ट डिस्टेंस, 50 से 100 मीटर का डिस्टेंस होगा तो मधुमक्खी राउंड डांस करेगी, एपिस मेलिफेरा वाले केस में। बाकी ये डिस्टेंस कम ज्यादा होता है अलग अलग मधुमक्खियों में, लेकिन मेलिफेरा मेजर है तो कम डिस्टेंस के लिए 50 से 100 मीटर के लिए भी शॉर्ट राउंड डांस करेगी। The bee run in circle, round के form में, the first in one direction and then opposite direction. मतलब पहले कैसे जाएगी, इस तरह से clockwise जाएगी, फिर anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise. तो ऐसे घूम रही, दूसरे को पता चल गया कि food source nearby ही है। लेकिन अगर round dance नहीं कर रही, tail wagging या wag tail dance कर रही है, तो इस case में ये indicate करता है long distance को, more than 50 to 100 meter के जो food source है वो ज्यादा दूरी पे है। इस तरह से dance होता है, आपके सामने है round dance किस तरह से होता है और आपका tail wagging या wagger dance किस तरह से होता है। तो ये इनके communication का तरीका है। आगे बात कर लेते हैं honey bee के products की। वैसे तो आपको प्रोडक्ट्स पता ही है इससे क्या क्या मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको नहीं पता होंगे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस उनके नाम याद रखिए। तो हनी बी से सबसे पहले तो आपको पता ही है जो फायदा मिलता है वो पोलिनेशन से मिलता है, बिकॉज हमें लगता है कि हनी बी से हनी मिलता है वो उसका मेजर प्रोडक्ट है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनी बी का मेजर प्रोडक्ट हनी नहीं है, हनी बी का मेजर प्रोडक्ट है पोलिनेशन इंक्रीज करना। नबार्ड नॉर्म्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, नोट शेयर किए हुए हैं, पढ़िएगा कि कौन सी मधुमक्खी कौन कौन सी क्रॉप के अंदर कितना परसेंट पोलिनेशन बढ़ाती है, बिकॉज पोलिनेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हनी भी आपको हनी देती है, साथ उसके कॉम्ब से, छत्ते से बी वैक्स मिल जाता है, उससे बी वेनम, बिकॉज डंक मारते तो काम खराब कर देते हैं, तो बी वेनम मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, बी पोलन मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है और हनी और हाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इनके नाम जरा याद कीजिएगा कि हनी भी से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, पढ़ना चाहो तो आगे डिटेल भी लिखा गया है। आगे मूव करते हैं, एक अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, सुधार की बात कर लेते हैं, जो कि ने किया है रिसेंटली FSSAI ने, 2016 के बाद ऐसा किया गया। FSSAI ने कहा, जैसे आप देखते हैं ना मार्केट में दूध का पैकेट जो आता है उस पे नेचुरल मिल्क नहीं लिखा होता, उस पे लिखा होता है पाश्चराइज मिल्क। यार निकाला तो गाय भैंस ही है तो पाश्चराइज क्यों लिख रहे हो, नेचुरल मिल्क लिख दो। लेकिन FSSAI गाइडलाइन देता है कि अगर आपने मिल्क के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी है, छेड़छाड़ का मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया, हीट अप किया उसे या उसमें फैट कम ज्यादा किया है, तो कुछ भी अगर आपने उसके अंदर चेंजिंग करी है ना, तो आप उसे नेचुरल मिल्क नहीं कह सकते। इसीलिए आप देखेंगे पैकेट्स के ऊपर नेचुरल मिल्क नहीं लिखा होता, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड, स्टेप पाश्चराइज, फुल क्रीम, कुछ भी लिखा हो बट नेचुरल नहीं लिखा होगा, और लिखा हुआ है तो फिर वो FSSAI की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से सेम गाइडलाइन दी FSSAI ने किसके लिए, हनी के लिए। अब हनी में तो भाई साहब फैट वाला चक्कर नहीं है, तो उन्होंने कहा, FSSAI ने कहा कि जब हनी को हार्वेस्ट किया जाता है, अगर हनी में हार्वेस्टिंग टाइम पे 20% से ज्यादा मॉइस्चर हो, बिकॉज शहद के अंदर मॉइस्चर तो होता ही है ना, तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है और पानी को वहां पर निकाल दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में तो होता है ना, तो उन्होंने बोला कि अगर हनी को जब हार्वेस्ट किया गया है उस टाइम पे उसके अंदर 20% से ज्यादा मॉइस्चर है, तो इसका मतलब प्रॉपरली राइप, वो प्रॉपरली पका नहीं है, तो आप उसे नेचुरल हनी नहीं कह सकते। ये अमेंडमेंट किया गया, एनी हनी हैविंग मोर देन 20% मॉइस्चर एट द रो स्टेज दैट नीड्स प्रोसेसिंग फॉर मॉइस्चर रिडक्शन मे नॉट बी कंसीडर्ड एज
प्योर नेचुरल हनी, उसे प्योर नेचुरल हनी नहीं कहा जाएगा। हाँ अगर 20% से कम था तो फिर आप उसे प्योर हनी कह सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस कंट्री से हैं, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में जो ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा रहती है ना। आप ट्रॉपिकल के एरिया के अंदर जाके देखिए, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर जाके देखिए, वहां में बहुत ह्यूमिडिटी है। तो उस हनी के अंदर ना 20% से ऊपर मॉइस्चर होगा ही होगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन गाइडलाइन है तो हमें तो पढ़नी पड़ेगी। पेस्ट एंड डिजीज की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ पेस्ट आपके सामने है। ये पेस्ट यानी कि वैक्स मोथ एंड वास्प, वैक्स बीटल, बर्ड और ट्रैकिल माइट्स, ये सारे के सारे एज अ पेस्ट हनी बी के ऊपर अटैक करते हैं। उसके अलावा डिजीज की बात करेंगे तो आपको डिजीज के नाम भी याद करने हैं, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद करने हैं कि नोजेमा जो है वो डिजीज रिलेटेड है हनी बी से, होती है प्रोटोजोआ से। ब्रूड या चाक ब्रूड की बात करेंगे, इन्फेक्टेड मटेरियल से हो जाती है। अमेरिकन फाउल ब्रीड या यूरोपियन फाउल ब्रीड की बात करेंगे तो ये क्या है, बैक्टीरियल है। जबकि चौकी ब्रूड डिजीज की बात करेंगे तो फंगल है। स्टोन डिजीज अपने आप में फंगल है। सैड डिजीज जो है ये वायरल है। उसके बाद डीफॉर्म्ड एंड क्रोनिक बी पैरालिसिस जो है ये भी किस तरह की डिजीज है, वायरल। तो बीमारियों के नाम भी और बीमारियों के टाइप भी, के वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन है, वो भी आपको याद कर लेना है हनी बी से। यही से क्वेश्चन आएगा, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है तो मैं उसे नोट्स के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चंस की बात करते हैं एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी 2020 का आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन 2020 में ना इतने से मुट्ठी भर से लेक्चर में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये 30 मिनट्स का लेक्चर, जो दो क्वेश्चन आउट ऑफ 60 पूछ लिए जाए तो। बाकी एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे इस साल जो पेपर आपके लिए गए हैं, यूपी कैटेट का लिया गया है, बीएचयू का लिया गया है, उसके अलावा आईजीकेवी का लिया गया है, एमपी का एंट्रेंस एग्जाम है, आप देखेंगे एलाइड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तीन क्वेश्चन एक आपसे डिस्कस कर चुका हूं, बचे हुए तीन डिस्कस करता हूं। आंसर दीजिएगा सबके सब लोग। AF422 ने क्वेश्चन पूछा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल, परफेक्ट नहीं है वो, इम्परफेक्टली डेवलप्ड है, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज रिप्रोड्यूस तो कोई नहीं कर पाती है, ये रिप्रोड्यूस करने में अनेबल है, बट पोजेस ऑल द मैटरनल इंस्टिंक्ट, इसके अंदर सारी कैपेबिलिटी है, कर सकती है बट फिलहाल नहीं कर पा रही है। एंड ऑल्सो डिफेंस मैकेनिज्म हैज बीन डेवलप, मतलब इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म क्या, वो जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, वो भी है, हैज बीन डेवलप एंड डज द वर्क फॉर द कॉलोनी वेलफेयर, इनडोर आउटडोर के काम करती है। जल्दी से चैट के अंदर भरमार लगा दो क्या लगता है राइट आंसर। क्वीन भी आएगा, वर्कर आएगा, ड्रोन आएगा, या सोलिटरी भी आएगा। देखो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो क्वीन तो आएगा नहीं, है ना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा नहीं है। बच्चा बी और सी फटाफट से लिख दो, यस ऑफ कोर्स, सब लोग सही आंसर लिख रहे हैं। भाई फीमेल की बात कर रहा है, ड्रोन की बात करूंगा, ड्रोन तो मेल था ना, तो बचा क्या आंसर मेरे पास, ऑफ कोर्स वर्कर भी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बट इतना बड़ा पूछा गया ना तो लोग डर जाते हैं देख के। 22 पूछा गया था, 21 की बात कर लेते हैं। 21 पूछा गया, व्हिच बी इज बेस्ट फॉर डोमेस्टिकेशन, सबसे बढ़िया है, द बी इज ऑल्सो नोन एज इटालियन बी, कर दो फटाफट से, ए बी सी और डी, एपिस मेलिफेरा, डोरसाटा, फ्लोरिया या फिर सेरेना, क्या सही उत्तर आएगा इसका, फटाफट से लिख दीजिए राइट आंसर। ऑफ कोर्स सब लोग सही लिख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा ये क्या आएगा, बेस्ट है ना, तो डोरसाटा का तो बेस्ट कह नहीं सकता, बची कौन सी, फर्स्ट वाली, यूरोपियन या फिर इटालियन बी, और आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर इज एपिस मेलिफेरा, 2021 के अंदर पूछा गया। 20 के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो फीमेल वाला जो शुरू में डिस्कस कर चुका, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वीन बी एमिट, क्या एमिट करती है, दैट कैन एनकरेज मेल ड्रोन टू मेट, जो मेल को अट्रैक्ट करती है मेटिंग करने के लिए, क्वीन का एमिट करती है फेरोमोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, इथाइलिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। 20 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन आए यार, कितनी मजेदार बात है। और देखिए मजेदार बात ये भी है कि तुम सब इसका आंसर सही लिख रहे हो, ऑफ कोर्स राइट आंसर, अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या सीक्रेट करती है, यस फेरोमोन्स को अट्रैक्ट करती है, फेरोमोन्स से अट्रैक्ट करती है। ये था हमारा हनी बी रेयरिंग या फिर एपिकल्चर, आई होप सो आपको समझ आया होगा। 30 मिनट्स के अंदर कवर करना था तो बहुत सारी बातें नहीं समझाई है, लेकिन जितना बोला उतना आपको समझ आया होगा, और पेपर में उतने में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा है तो उसके लिए नोट्स दे दूंगा और साथ ही साथ क्विज भी कंडक्ट करूंगा। प्लीज टाइमली सब कुछ कीजिएगा, आपकी हर दिन की मेहनत एक एक नंबर ऐड करती जाएगी और आप इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे। तो शुरू हो जाइए, मेहनत कीजिए, नोट शेयर करता हूँ, शाम को क्विज के साथ मिलता हूँ और उसके बाद यूट्यूब पे मिलता हूँ आपके अगले लेक्चर में। नेक्स्ट वाला लेक्चर सेरिकल्चर पे होगा, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, जय हिंद जय भारत।